नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने यमकेश्वर में 3 दिवसीय नयार उत्सव का किया शुभारंभ। इलाके को दी कई विकास योजनाओं की सौगात। पिथौरागढ़ में शुरू हुई राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता। सभी जिलों की टीम ले रही है हिस्सा। खेल को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह। और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने की बागेश्वर जिले में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के किंसुर बागी पहुंचकर 3 दिवसीय नयार उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गंगा पूजन किया। साथ ही महाशीर प्रजाति की बछली के सीड्स का प्रवाह और राफ्टिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़ी 7 घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग सतपुली मोटरमार्ग, देवप्रयाग बुआखाल को राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने और नांद नदी सड़क का 6 किलोमीटर निर्माण करने की घोषणा की। इसके साथ ही यमकेश्वर के अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम की स्वीकृति दी। वहीं यमकेश्वर क्षेत्र में गंगा भोगपुर के निकट बीन नदी डबल लेन RCC पुल का निर्माण करने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। इसके अलावा द्वारीखाल के जाखणीखाल ढंडोली मोटरमार्ग का डामरीकरण और यमकेश्वर क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होने पर डिग्री कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नयार उत्सव के आयोजन से एक तरफ जहां इस क्षेत्र को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों से ये क्षेत्र व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित होगा। देहरादून के विकासखंड रायपुर के मालदेवता में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काव के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में बिजली, पानी, पेंशन, सड़क आदि से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। अभी तक मसूरी, ऋषिकेश आदि स्थानों पर इस तरह के शिविर लगाए गए और आगे भी ये शिविर लगाए जाएंगे। वहीं फरियादियों ने भी जिला प्रशासन के शिविर की जमकर सराहना की। इस शिविर में बहुत सारे लोग आए और बहुत जगह जगह से आए हैं। इस शिविर में काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान के बारे में पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिससे जो पढ़े लिखे लोग हैं उस चीज़ को देख के और जो नहीं भी हैं उनको बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर। हाँ, मसूरी में हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, बाहुबला में किया गया है, जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देश्यीय शिविर। ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में आज से राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुबिस्ट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीम के साथ ही स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। ये बॉक्सिंग की सब जूनियर ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारे राज्य की 13 जनपदों की टीमों के साथ साथ जो हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं कोटद्वार, पिथौरागढ़, टनकपुर, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून और स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो लगभग इसमें 128 के आसपास बालक और 56 के आसपास बालिकाएँ इसमें प्रतिभाग कर रही। वहीं विभिन्न जिलों से बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी काफी उत्साहित दिखे। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त होता है, जो उनके भविष्य के लिए काफी लाभदायक हैं। जी, जो प्रतियोगिता हो रही है इसके जो हो रही है इसके कारण हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बॉक्सर आए हैं नई नई जगह से, अच्छा टूर्नामेंट भी अच्छा हो रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है ये सब खेल के। हम बागेश्वर से आए हैं, ये हमारा स्टेट लेवल पे है, हमारा फर्स्ट टाइम है ये और हमें आशा है कि हम गोल्ड मेडल ले जाएँ। यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और अच्छा लग रहा है सबसे।
टिहरी जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में अवैध शराब और चरस तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। SSP अग्रवाल ने बताया कि मुनि की रेती थाना और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU की टीम ने शिवपुरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 25 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पर देहरादून स्थित एक गोदाम में छापा मारा गया, जहां पर बड़ी संख्या में फर्जी होलोग्राम और लेबल्स मिले हैं और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये लोग पंजाब हरियाणा अन्य राज्यों से शराब लेकर आते थे और यहां पर उत्तराखंड की लेबलिंग करके उसको अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। तो एक ये बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। इसमें एक्साइज एक्ट में और साथ ही BNS की संबंधित धाराओं में भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं तपोवन क्षेत्र से पुलिस ने 830 ग्राम चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उत्तरकाशी और टिहरी के रहने वाले हैं। SSP ने बताया कि आरोपी लंबे समय से चरस लाकर होटलों में छोटे पैकेटों में बेच रहे थे। ये दोनों तपोवन एरिया में होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से लेकर आते हैं और जो तपोवन में रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा इनको पकड़ा गया है और NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने बागेश्वर जिले में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मॉनसून काल में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विभागीय सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी मौके पर जाएं और समस्याओं का निराकरण करें। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने जिले के सभी सड़क मार्गों को दुरुस्त कर उन्हें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसे दूरस्थ गांवों में रसद समय से पहुंचाने, पेयजल योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने, जर्जर बिजली के खंभों, झूलती बिजली की तारों को एक महीने के भीतर ठीक करने और अस्पतालों में दवाइयों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आपदा के अंतर्गत जो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए दिए गए थे उसमें से 19 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और पैसे के संबंध जो पैसा था लगभग 14 करोड़ करीब, वो उतना काम हो चुका है यहाँ पे और अभी 19 करोड़ के एस्टीमेट आ रहे हैं, उनको भी स्वीकृत किया जाएगा। जन समस्याएं कम हो उसी के दृष्टिकोण से बैठक हुई है और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन में सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा भी, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी, अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों द्वारा भी जो समस्याएं रखी गई उनका निराकरण सबने सहयोग रूप से किया है। बैठक के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर आम जनमानस की काफी लंबे समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए कार्मिकों को दो पालियों में EVM और निर्वाचन प्रक्रिया संपादित कराने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान दो जोनल मजिस्ट्रेट, 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 230 पीठासीन मतदान अधिकारियों को मास्टर ट्रेनरों ने सामान्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी GS खाती ने अधिकारियों और कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। यह जरूरी है कि किसी दुविधा का परीक्षण के दौरान ही समाधान कर लिया जाए, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के समय किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कार्मिक निपुण हैं, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह इस उप निर्वाचन को भी कुशलता एवं आपसी समन्वय के साथ संपादित कराना ही सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।